अच्छा लगा साइंटिफिक लेक्चर बच्चों ने दिया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ स्कूल प्रशासन को, समक्ष जजिस, प्रिंसिपल और सभी स्टाफ को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसा नाम जिसे हर बच्चे ने अपनी जुबान पे ला के बयान किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा कि आज एक साइंटिफिक प्रोग्राम में आपने सुनीता विलियम्स का प्रदर्शन किया, चावला जी का प्रदर्शन किया, APJ अब्दुल कलाम साहब क्यों नहीं बने आप, जानना चाहूंगा इसकी वजह क्या? अच्छा नहीं लगता आपको? कोई स्टूडेंट्स ऐसा है कि आगे आने वाले समय में APJ अब्दुल कलाम साहब की यूनिफॉर्म में प्रदर्शन करेगा या कोई हाथ उठा के बताएगा? नहीं। थैंक यू। योर नेम? तनुपाल। फ्रॉम? क्लास 8 C1 फ्रॉम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। काम आना चाहिए। बच्चे के लिए जोरदार तालियां। इधर आइए। सेंटर में आइए, सब लोग आपको देखना चाहेंगे। माइक पे खड़े हो जाइए। ये बताइए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आप क्यों बनना चाहते हैं और ऐसा क्यों सोचा? बच्चे तो बहुत सारे थे, किसी ने हाथ नहीं उठाया, इसकी वजह? Because he is my one of the most favorite character ever. Thank you. मैं तालियां बजवाना चाहूंगा। बहुत छोटा सा एक सवाल मैं आपसे करूंगा, स्पेस का कलर कैसा होता है, कोई बताएगा? बताइएगा स्पेस का कलर कैसा होता है? स्पेस की बात कर रहे हैं हम। एक बच्चा बताए, आप बताइएगा। ओके, बस मिल गया आंसर, ब्लैक। स्पेस यान का कलर कैसा होता है? क्लिक स्टॉप। आपको मैंने मास्टर बनाया है। स्पेस यान का कलर कैसा होता है, जिसे हम डिफरेंट कलर में अगर बना देते हैं तो उसमें हमें इशू आ जाते हैं, तो बताइए कि स्पेस यान जब बनता है, स्पेस में जाने के लिए स्पेस शटल कहा जाता है, तो उसका कलर कैसा रखा जाता है? व्हाइट। रीजन क्यों? व्हाइट क्यों बेटा बताइए, वहीं से बता दें। चमकता है या उसका कोई रीजन है? आप बताइए। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा या दुनिया में अंतरिक्ष उसी में आता है, पूरा ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है उसमें ठंड और अंधेरा सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इससे निजात दिलाता है हमें सन, सूर्य। सूर्य के पास प्रकाश है, सूर्य के पास टेम्परेचर है, वही हमारे मूवमेंट को चेंज करता है, उसी से हम एनर्जी क्रिएट करते हैं। व्हाइट इसलिए रखा जाता है कि सन उसी का एक पार्ट है यूनिवर्स का, जो रिफ्लेक्टेशन देता है। जब कोई भी फोटो के माने क्या होते हैं? प्रकाश। जब कोई कैमरा फोटो खींचता है ना, वो किसी का फोटो नहीं लेता, वो प्रकाश रिफ्लेक्टेशन को डिटेक्ट करके उसको मैनेज करता है। तो फोटो जब हम कहीं फोटो फ्लैश करते हैं, यानी कि प्रकाश का फ्लैशिंग करते हैं, तो उससे टकरा के जब रिफ्लेक्टेशन आता है तो हमें आसानी से काउंट हो जाता है, जिसको हम देख लेते हैं, निहारना कहते हैं। इसलिए स्पेस यान का कलर व्हाइट रखा गया है। थैंक यू। आपने सभी स्पीच में बहुत सारे कैलकुलेशन प्रेजेंट किए,
उसका डिस्टेंस भी बताया, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, उसका ग्रेविटी फोर्स कितना है, उसके अंदर हमारा टेम्परेचर कितना होगा, उसकी स्पीड कितनी है, कब कब क्या 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 होता है, इस बात को बताने के लिए आपने ये सोचना है कि स्पेस एक है, सैटर्न भी एक बनाया गया है, लोग भारत में बहुत हैं और सभी स्कूलों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो आपने इस विषय पर यह सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। जो आज इमेज सामने देख रहे हैं वो भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट की इमेज थी, एक दिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी आप ही की तरह ऐसे ही चेयर पे बैठ के कुछ सुन रहे होंगे, उन्होंने भी अपने यहाँ लेक्चर सुने होंगे, उनके ऊपर भी कुछ लोग आए होंगे, सीनियर्स भी होंगे और वो भी एक स्टूडेंट थे। तो हमें ये जज करना होता है कि एजुकेशन में कि हम क्या कर सकते हैं कि आज हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे कि लोग हमारे ऊपर बोले, लोग उन्हीं पर बोलते हैं, उसी किताब के ऊपर बोलते हैं जो अपने आप में किताब होते हैं।